एक तो ये दूध वाला पता नहीं किधर रह गया है, इसको फोन करती हूँ। तुम आए नहीं अभी तक दूध लेके? कहाँ रास्ते में हूँ। रह गए हो? तुम्हें पता नहीं होता सुबह चाय पीनी होती है मैंने। बस मैडम जी, 2-3 किलोमीटर दूर डाल के मैं आया। तुम बहुत आलसी हो, 10 मिनट में अगर तुम ना पहुंचे ना तो कल से दूध लेकर ना आना, कोई जरूरत नहीं है। इतने मनहूस लोग हैं ना ये, क्या करूं इनका। 10 मिनट का बोला इसने, पता नहीं 10 मिनट में पहुंचेगा भी कि नहीं। एक तो ये गरीब लोग होते हैं ना जो, इनको वैसे ही बहुत मजबूरियां और परेशानियां होती हैं, क्या करूं। पता नहीं अब 10 मिनट में पहुंचेगा कि नहीं। आजा, ओए कितनी देर लगा दी है इसने, मुझे लगता है आ गया। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम, इतनी देर लगाते हैं? मैडम जी, आपको पता तो है इतना दूध देना होता है, 2 घरों में पीछे भी छोड़ के आया हूँ। अभी खड़े हो, वहां रखो दूध। चलो बाहर चलो। मैडम जी, बाहर नहीं जाना, वो ना पैसों का हिसाब किताब कर लो मैं। आप तेज बोलती है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका लगवा ले कहीं से, मैं इतनी बातें नहीं सुन सकता। अच्छा दे देंगे तुम्हारे पैसे, आपको पता है ना मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, दे दूंगी तुम्हारे पैसे। तो बाहर गया हूँ तो पैसे नहीं भेजते? अभी उनके पैसे नहीं आ रहे, कुछ दिन में आ जाएंगे, मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं, मुझे आज पैसे चाहिए, आज पैसे साफ क्लियर करो। पिछले महीने के भी आपके रहते हैं, आपने कहा था कि हस्बैंड बाहर गया हुए, आते हो दे देती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे आज पैसे चाहिए, मैंने आज पैसे लेके ही जाने, ऐसे नहीं जाना। मेरी बात सुनो, तुम्हें पैसे देंगे ना, और तुम पिछले महीने सारा दूध पतला दिया है तुमने, उसका हिसाब कौन देगा? उसके पैसे नहीं दूंगी मैं, पतले क्यों नहीं दूंगी भाई, दूध के पैसे कौन देता है भला। तो ना लेती, मुझे मना कर देती। आपने इस महीने के भी ले लिए हैं। और हाँ, तुम मेरे साथ ना 2 दिन बाद आके हिसाब करना, नहीं, मुझे आज ही चाहिए, मैंने आज ही क्लियर करना है। अभी नहीं है ना, कहाँ से क्लियर करूं तुम्हें? मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, मैंने लेके जाना। कल से मैं दूध देने नहीं आऊंगा। आप इतना ऊंचा बोलती, इतनी बदतमीजी से बोलती, क्या मैं आपका मुलाजिम हूँ? मुझे बताया ना। देखो मेरी बात सुनो, बंदा गुस्से में आता है, तुम्हें पता होता है सुबह सुबह उठ के मैंने चाय पीनी होती है, ठीक है? वो गुस्सा आपका आ गया मसला था है। मुझे, तुम देर से आए हो ना इसलिए। देखो मैडम जी, देर से आना हमारा बनता है, बैंक बंजर हो गया, मैं क्या करता। पर जो भी है, मुझे आज मेरे पैसे हर हाल में चाहिए, मैंने आज पैसे लेके जाने। कल से आप अपना नया दूध वाला रख लो। अच्छा दे दूंगी तुम्हें पैसे, तुम क्यों इतने परेशान होते जा रहे हो पैसों के लिए? दूंगी तुम्हें पैसे, टेंशन नहीं लो। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, पैसे दूंगी तुम्हें। तो ऐसे पहले बोलती ना, तो मैं आपसे पैसे मांगता ही क्यों? अच्छा दे दूंगी तुम्हें पैसे, परेशान ना हो। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पैसे चाहिए या फिर वैसे ही चाहिए? जो आपको अच्छा लगे आप वो दे दें। मैं तो कहता हूं पैसे तो बहुत देखे हैं, आज कुछ और दे दें। हाँ जवान हो तुम माशाल्लाह, किस चीज की कमी है तुम्हारे अंदर? सिर्फ आपकी कमी थी, आपको पता है मैं आपसे प्यार भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अच्छा पूरे मोहल्ले में से आप ज्यादा खूबसूरत हो। मैं लेट इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ पे आके खड़ा होकर आपको देखता हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हाँ मैं भी कुछ दिनों से तुम्हें नोट कर रही हूँ। वैसे आप बहुत ज्यादा, आपके हाथ भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं ना। हाँ अच्छा, मैं भी सोच रही हूँ तुम्हें कुछ पैसे कल तक दे दूँ। तुम्हें पैसे क्या करने हैं हमने? तो पता है मेरा शोहर बाहर है, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। अच्छा अब तुम जाओ, कल दूंगी तुम्हें पैसे। कहता हूं आज थोड़े से पैसे मुझे दे दो। कहाँ ना, कल दूंगी, जाओ अभी।
तो आज क्या है, आज दे दो ना थोड़े से पैसे, एक किस्त तो दे दो। दे दूंगी, इतनी जल्दी क्या है? किस्तों के साथ ही तो पैसे देने, तो मैं कह रहा हूं कि एक किस्त मुझे दे दो। अच्छा अभी चले जाओ, कल तुम्हें जो चाहिए होगा मिल जाएगा। उगली मैडम की कॉल आ गई, उसको भी दूध देना है, अब मैं क्या करूं। चले आप ऐसा करें, कल फिर दे दीजिएगा। हाँ दे दूंगी तुम्हें कल पैसे। ओके, इसकी कॉल भी खत्म, ये दूर हो पड़ा होगा, ठीक है, और पैसे की अब टेंशन नहीं ले लो। ओके okay. मैं जाऊं, पक्का। हाँ जाओ तुम तो। बाय। बाय। साला ठरकी कहीं का, चपरासी जैसा। समझता क्या है अपने आप को?